नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी बना रहे हैं, गाजर की खीर। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये खीर बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसे हम कुकर में बनाएंगे। तो आप सबसे पहले कुकर में एक चम्मच घी डालें, सिर्फ एक चम्मच घी डालना है। और ये देखिए, मैंने आधा किलो गाजर इस तरह से लेकर काट ली है। थोड़ी लाल गाजर लें आप, और शेप की ज़रूरत नहीं, आप कैसे भी बस उन्हें बारीक बारीक काट लीजिए। इसके बाद इसे हम थोड़ा सा मिलाएंगे और फ्लेम को हमें यहाँ फुल रखना है गैस को। और इसमें हम बहुत थोड़ा, सिर्फ आधी कटोरी मलाई वाला दूध डालेंगे, बस आधा कटोरी दूध डालना है, ज़्यादा नहीं। और इसे अच्छे से मिलाकर हम बंद कर देंगे। और देखिए, इसमें हम मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी ले लेंगे, बहुत अच्छे से उसमें गाजर कुक हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं पकाना है, फटाफट से हमें 2 सीटी लेनी है। तो देखिए, कुकर में 2 सीटी हो गई है और अच्छे से गाजर पक गई। तो इसकी गैस निकलने देंगे हम और फिर इसे हम खोल लेंगे। तो ये देखिए, गाजर पक चुकी है अच्छे से। तो इस तरह से जो सब्जी मैश करने का आता है, जिससे पाव भाजी बनाते हैं हम, इससे हम इसको बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। तो गाजर पक चुकी है, बहुत आसानी से ये मैश हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से मैश हो गई है। अब यहाँ गैस को आपको फुल रखना है और थोड़ा सा दूध और हम और डालेंगे यहाँ पर। तो आधा किलो से कम ही दूध लगेगा, आधा किलो गाजर थी। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से खीर तैयार हो रही है हमारी। ये जैसे ही बॉईल होने लगे, इसमें हम थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे। आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं यहाँ पर, दोनों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत थोड़ी सी चीनी डालेंगे, क्योंकि मिल्क और गाजर से थोड़ा मीठा हो गया ये वैसे ही। और थोड़ी सी इलायची डालेंगे। और आपको यहाँ गैस को फुल रखना है, फ्लेम को, ताकि बहुत अच्छे से फटाफट बॉईल हो जाएगी। और ये देखिए, मैंने काजू को घी में फ्राई कर लिया है। आप और भी कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। तो इसे फुल फ्लेम पर आप पकाइए। देखिए, हमारी ये खीर तैयार है सिर्फ 10 से 15 मिनट में। ठंडी होने पर ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बहुत ही क्रीमी और बहुत टेस्टी खीर बनी है ये, आप बनाइए इसे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।